वेलकम टू लीनाज किचन। मैं हूँ लीना और आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर के आ गई हूँ फिर से आपके सामने। वो है समर स्पेशल आम के सूखे अचार। अचार की बहुत सारी रेसिपी मैंने डाली है, खास करके आम कटहल की, जो भी जितने भी वैरायटी के जो अचार होते हैं मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। लेकिन आम के सूखे अचार की रेसिपी मैं स्पेशल लाई हूँ, जो सालों साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल खास मसाले के साथ। तो बिल्कुल मेरे अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, जो नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे जो भी मैं रेसिपी शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है ना बिल्कुल आप तक इजली पहुँच जाए, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए और अचार बनाते हैं। और अचार बनाने के लिए देखिए मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, धो के साफ सूती कपड़े से मैंने सारे आम को पोंछ लिया है। 2.5 किलो मेरे पास सुकुल आम है, फिर मैं बोल देती हूँ। और यहाँ पर देखिए आम को इस तरह से कटिंग कर लूँगी। आम की साइज और कटिंग ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से कटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे आम को काट लूँगी। आम के जितने भी जो होते हैं ना बीज, उसको अलग कर दे और वही आम ले जिसमें गुठलियाँ हो। और यहाँ पर मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच नमक और हल्दी, और इसे अच्छी तरह से मिला करके और 2 दिन तक मैं बिल्कुल धूप में रख दूँगी, क्योंकि अभी जो है ना गर्मी के दिन में काफ़ी कड़े धूप है, तो इससे जो जितने भी आम में नमी है ना बिल्कुल सूख जानी चाहिए, तभी ये जो आम का सूखा जो अचार होता है ना तब बहुत ही अच्छा तैयार होते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 दिन हो गए हैं तो आम जो है ना बिल्कुल एकदम से सूख गया है। और मेरी मम्मी बनाती थी आम के अचार, तो आम को काट के रात भर नमक पानी में डाल देती थी, और मैंने बहुत सारे आम में भी इस तरह से मैं बनाई हूँ, लेकिन सूखे अचार में मैंने डायरेक्ट इसको नमक इसलिए मैंने डाला कि नमक से जितने भी आम के अंदर पानी होता है ना वो निकल जाते हैं और आम बिल्कुल जो है ना अच्छी तरह से सूख जाता है। क्योंकि मैं सूखे अचार दिखा रही हूँ तो इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहना चाहिए। तो देखिए ये अच्छी तरह से सूख हो गया, तो इसे चलिए एक हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद चलिए यहाँ पर मैं तावा मैंने चढ़ा दिया है, तावा गर्म हो गया है और बहुत ज़्यादा जो है ना इसका फ्लेम हाई नहीं रखे, लो फ्लेम पे इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो 2 बड़े चम्मच मैंने पीली वाली सरसों डाली है, 2 बड़े चम्मच काली राई है, 2 बड़े चम्मच यहाँ पर सौंफ है, 1.5 बड़े चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ, 2.5 किलो आम के क्वांटिटी में बता देती हूँ जो मेरे पास मसाले हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने जीरा डाला 1.5 चम्मच, और यहाँ पर मैं मेथी दाना डालूँगी 1.5 चम्मच देखिए। और मेथी दाना जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि इससे जो थोड़ी सी अचार आपकी कड़वी हो जाएगी खुशबू के लिए, और जो है ना हम लोग थोड़ा सा मेथी डालते हैं खुशबू और टेस्ट के लिए, तो बहुत ज़्यादा ना डालें। और यहाँ पर जो है ना इसको सभी मसालों को अच्छी तरह से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और अचार बनाने के लिए जो हमारे मसाले कितना रोस्ट करना चाहिए, तो इसको हम कैसे पहचान करेंगे, जब आपके मसाले जो है ना आपके जितने भी ड्राई मसाले हैं वो चटकने लगे तावा में, तो आप समझ जाइए कि आपके मसाले जो है ना अचार में डालने के लिए परफेक्ट है। तो इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में। ऐसे तो मैं सिलबट्टे पे ही मैं पीस लेती हूँ दरदरा, और लेकिन आज मैं मिक्सी के जार में ही थोड़ा सा मैं दरदरा ही चला लूँगी। और क्योंकि आप जब भी अचार बनाएं, कोई सा भी अचार बनाएं, तो मसाले का जो है ना फाइन पाउडर नहीं तैयार करें, थोड़ा सा दरदरा ही पीस ले। तो चलिए इसको मैं निकाल लेती हूँ मिक्सी के जार में, और जब ठंडा हो जाए तभी आप गर्म गर्म ना पीसें, और इसको अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। और उसके बाद चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो चलिए ये ठंडा हो गया है, तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं थोड़ा सा दरदरा। देखिए ये मसाले पीस गए हैं। और भी अचार की रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ विजिट करें लीनाज किचन में, मेरे प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लें, बहुत सारे आपको पिकल की रेसिपी वहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, वो भी बिहारी देसी तरीके से। तो चलिए अब जो है ना मसाले की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर एक ख़ास चीज़ मैं दिखाती हूँ, जैसे हम लोग धनिया भी डालते हैं अचार में, तो यहाँ पर मैं जो है ना सूखे धनिया के पाउडर यहाँ पर ले रही हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं जो है ना इसे मैं हल्का सब भूनूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, और भूनने के बाद इसे प्लेट में निकाल करके मैं ठंडा कर लूँगी। देखिए इस तरह से,
और ठंडा करने के बाद देखिए ये आम बिल्कुल सूख गया है, दो दिन मैंने धूप दिखाया था। सूखे अगर अचार बनाने हैं तो बिल्कुल इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। तो इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच हल्दी, हल्दी 1 चम्मच मैंने ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ था। तो ऐसा नहीं, आप हल्दी अगर थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि अचार में जो है ना हल्दी आप ज़्यादा भी डाल दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं 4 बड़े चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। और लाल मिर्च पाउडर अगर आप जो है ना सूखी वाली जो साबुत मिर्च होती है ना उसको भी थोड़ा सा आप जो है ना भून करके पीस सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा मुझे चटपटा भी बनाना है तो इसको मैं 4 बड़े चम्मच और धनिया जो मैंने थोड़ा सा सूखा भुना था उसको मैं डाल दूंगी। अगर आपके पास धनिया पाउडर नहीं है तो आप सूखे साबुत धनिया को भी भून के और पीस करके डाल सकते हैं। और उसके बाद जो भी मैंने अचार के मसाले तैयार किए थे उसको मैं डाल दूंगी। बहुत अच्छी तरह से चलाना है जिससे कि सारे मसाले जो है ना अचार में मिल जाए। और बिल्कुल जो है ना मेरे अचार की रेसिपी और भी देखने के लिए मैं बार बार बोलूँगी, एक बार मेरे प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर विज़िट कर ले। और यहाँ पर सारे मसाले देखिए मैं डाल दूँगी जो भी मैंने यहाँ पर ड्राई रोस्ट किया था और थोड़ा सा दरदरा मैंने पीसा था, तो ये मसाले मैं डाल दूँगी यहाँ पर। और इसको भी अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद मैं डालूंगी नमक, और नमक की क्वांटिटी 1 चम्मच आप ज़्यादा ही रखें, क्योंकि अचार खट्टे होते हैं तो जब अचार गलने लगता है तो थोड़ा सा फीका हो जाता है। तो जब भी अचार बनाए तो नमक 1 चम्मच आप ज़्यादा ही डालें। लेकिन यहाँ पे मैं 4 बड़े चम्मच डाल रही हूँ और 1-2 बड़े चम्मच मैंने पहले डाला था तो इसीलिए थोड़ा सा मैं कम ही डाल रही हूँ नमक। आप देख लें अपने हिसाब से डालें, और अगर आप नमक कम खाते हैं तो कम ही डालिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और इसको फिर से अच्छी तरह से मैं चला लूँगी। 2 बड़े चम्मच तेल मैंने गरम करके ठंडा कर लिया था, यहाँ पे डालूँगी 1/2 चम्मच हींग, और हींग ऑलरेडी मैंने तेल में भी गरम कर लिया था 1 बड़े चम्मच, और यहाँ पे थोड़ा सा सूखा भी मैंने हींग डाला है। यहाँ पे मेरे पास अजवाइन मंगरेल है, अपने जो है ना 2 चम्मच आप समझ लीजिए, मैं अंदाज से ही डाल रही हूँ। और इसको क्रश करके मैं डालूँगी। और एक इसमें एक खास अचार में एक खास चीज़ होती है, कोई भी अचार बनाए पंचफोरन ज़रूर ऊपर से आप डालें कच्चा ही, तो जैसे जैसे अचार गलते हैं ना तो पंचफोरन के जो उसमें गलते हैं तेल में तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और देखिए अचार अगर आप बनाते हैं ना तो पूरे घर में सोंधी सोंधी खुशबू आने लगती है। और यहाँ पर तेल मेरा ठंडा हो गया तो मैं डाल दूंगी बस 2 बड़े चम्मच, और ज़्यादा तेल नहीं डालना है, सूखे अचार में बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगते हैं। बस इसके मसालों पर ध्यान देना है कि कितनी अच्छी तरह से आप मसाले इसके तैयार कर रहे हैं। ये अचार मेरी दादी माँ लगाती थी, और जब भी लगाती थी तो मिट्टी के जो जार होते थे ना मर्तबान, तो उसमें रखती थी। सालों साल तक हम लोग खाते थे, बिल्कुल ख़राब नहीं होते थे। और चाहे तो आप शीशे के जार में रखें, प्लास्टिक के कंटेनर में बिल्कुल आप अचार नहीं रखें, नहीं तो आपके अचार बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएंगे। चलाना है इसे और फिर से मैं धूप में 2-3 घंटा मैं रख दूंगी, और जिससे भी मैंने जो नमक वगैरह डाला है अच्छी तरह से जो है ना धूप में वो गल जाए और मसालों में अच्छी तरह से आम में जो है ना मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने जार को भी अच्छी तरह से धो करके और धूप में सुखा लिया है, जार में भी बिल्कुल नमी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद देखिए चलिए इसको क्या करते हैं, 3-4 घंटा मैंने धूप दिखा लिया है, तो इसको अब जो है ना कांच के कंटेनर में इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, देखिए इस तरह से। और फिर इसको शीशे की जार में डालने के बाद आप अगर धूप में रखना चाहे तो रख दे, नहीं तो एयर टाइट करके आप स्टोर कर ले। लेकिन बीच बीच में 4-5 दिन आप ज़रूर धूप दिखाते रहें, और उसके बाद फिर आपको धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी मेरी ये सूखे अचार की रेसिपी, और तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। मिलती हूँ एक अच्छे से रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।